गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक में पार्ट चार खोल लीजिए। पार्ट चार लिंग जेंडर, तो हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो जेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। जिस शब्द से यह बोध होता है कि संज्ञा पुरुष जाति की है अथवा स्त्री जाति की, उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं तो आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिससे हमें पता चलता है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री, उसे हम लिंग कहते हैं। भाग का भाग ख, लड़का पतंग उड़ा रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। मालिक पेड़ लगा रहा है। लड़का, धोबी, मालिक, ये जो तीनों शब्द है ये कौन से शब्द आएंगे? पुल्लिंग शब्द, जिसे हम कहते हैं पुरुष जाति। भाग ख में लड़की गुड़िया से खेल रही है। धोबनी कपड़े सुखा रही है। मालिन फूल तोड़ रही है। इसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे, यानी इसे हम स्त्री जाति कहेंगे। जैसे लड़का का अगर हम पुल्लिंग, लड़का पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लड़की। धोबी पुल्लिंग है, इसकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी? धोबनी। तो ये हमारे जो है इस लिंग कहते हैं इसे। ऊपर भाग क के वाक्य में आए रंगीन शब्द माली, धोबी, लड़का पुरुष जाति के हैं, और भाग ख के वाक्य में आए रंगीन शब्द मालिनी, धोबिन, लड़की स्त्री जाति के हैं। तो इसमें पता चल गया कि इसमें कौन से हैं जो माली, धोबी, लड़का पुरुष जाति के लिंग में आएंगे, मालिनी, धोबिन, लड़की स्त्री जाति लिंग। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। लिंग के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सब मैंने पीछे बताया। पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, शेर, लड़का, राजा। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शेरनी, लड़की, रानी। कुछ अन्य पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बालक का स्त्रीलिंग बालिका, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, माली, मालिनी, डिब्बा, डिबिया, चाचा, चाची, बेटा, बेटी, बूढ़ा, बुढ़िया, नौकर, नौकरानी, पंडित, पंडिताइन। तो ये क्या है? पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कुछ पुल्लिंग दिए उसी पुल्लिंग का क्या होगा? स्त्रीलिंग। देवर पुल्लिंग हो जाएगा, देवरानी स्त्रीलिंग। युवक का स्त्रीलिंग क्या होगा? युवती। युवक पुल्लिंग है, उसके स्त्रीलिंग क्या होगी? युवती। शेर, शेरिनी, मोर, मोरिनी, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, चूहा, चूहिया, नाग, नागिन, चोर, चोरिनी, बलवान, बलवती, रूपवान, रूपवती, सिंह, सिंहानी, गायक, गायिका, पाठक, पाठिका, बंदर, बंदरिया, पुरुष, महिला। तो ये एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग। नीचे आइए, लिंग की पहचान। अब लिंग की पहचान कैसे करेंगे? नीचे दिए वाक्य पर ध्यान दीजिए। रमन अच्छा लड़का है। रजनी अच्छी लड़की है। नमन पत्र लिखता है। सविता पत्र लिखती है। ऊपर के वाक्यों में आए रंगीन शब्द अच्छा तथा अच्छी और लिखता है तथा लिखती है संज्ञा के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग होने के बारे में बता रहे हैं। जैसे अच्छा और लिखता है, ये पुल्लिंग हो जाएगी। अच्छी लिखती है, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगी। तो संज्ञा में अच्छा और लिखता है पुरुष लिंग हो जाएगा, और अच्छी और लिखती है स्त्रीलिंग। अतः वाक्य में आए नए शब्द भी संज्ञा के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग होने की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। नित्य पुल्लिंग शब्द, कुछ पुल्लिंग शब्द इधर दिए गए हैं। पशु, पक्षी, खटमल, मच्छर, चीता, कछुआ, खरगोश, बिच्छू आदि हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? मक्खी, मछली, मकड़ी, मैना, कोयल, तितली, गिलहरी, दीमक आदि हमेशा स्त्रीलिंग रूप
में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग मक्खी कहते हैं तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, मछली ये भी क्या आ जाएगा स्त्रीलिंग, मकड़ी स्त्रीलिंग आएगा क्योंकि हम सब यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड, मैना, कोयल, तितली, गिलहरी, दीमक आदि ये सब जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द। और जैसे पशु पक्षी हम बोलते हैं, खटमल मच्छर बोलते हैं, तो ये सब जो कुछ ऐसे शब्द जो हम हमेशा करते हैं उपयोग में हमेशा बोलते हैं, इसे हम नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं क्योंकि हमेशा हम लोग शब्द का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने लिंग शब्द पढ़ लिया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लिंग के कितने भेद होते हैं दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसे आप पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, बाय बच्चों।